तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में तैयार होने वाली पहली ऑडिट रिपोर्ट में वफाकी वजारतों और महकमों में 270 अरब रुपए की बदउनवानियों और बेजाबतियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से माली साल 2019 और 20 की ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें 40 विफाकी वजारतों और महकमों का ऑडिट किया गया, जिसके तहत करप्शन और जाली रसीदों की मद में 12 अरब 56 करोड़ रुपए की बदउनवानियों की निशानदही की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विफाकी महकमों में 79 अरब 59 करोड़ रुपए की रिकवरी के केसेस, 8 अरब 89 करोड़ रुपए मालियत के कमजोर इंटरनल कंट्रोल के केसेस और 152 अरब 20 करोड़ रुपए के कमजोर मालियाती मैनेजमेंट के केसेस सामने आए हैं। इस जिम्मे में ऑडिटर जनरल का कहना है कि सरकारी इदारों ने 17 अरब 96 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड हमारे हवाले नहीं किया, इसलिए पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर सरकारी इदारों को अखराजात करने से रोका जाए। ऑडिटर जनरल का कहना था कि पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जारी करने का सिलसिला रोका जाए और करप्शन केसेस तहकीकाती इदारों के सपोर्ट किए जाएं।